पीडब्ल्यूडी सड़क को खोदने वाले ठेकेदार के खिलाफ दिया पार्षद विजय शर्मा ने एसपी को आवेदन। खबर शिवपुरी से है, जहां फिजिकल थाना क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी सड़क को खोदने वाले ठेकेदार के खिलाफ बीजेपी पार्षद विजय शर्मा ने दिया एसपी को शिकायती आवेदन। कहा, शिवपुरी नहर का नहीं है कोई भी धनी डोरी। दरअसल पूरा मामला फिजिकल थाना क्षेत्र का है, जहाँ ठेकेदार देव शिवहरे द्वारा नगर पालिका क्षेत्र के आगे पीडब्ल्यूडी की सड़क पर लगे पेवर्स ब्लॉक और पानी की लाइन को बिना पीडब्ल्यूडी एनओसी के खोदने का बताया जा रहा है। जहां शहर की बीजेपी पार्षद विजय शर्मा द्वारा इसकी जानकारी ली गई तो पूरी तरह गलत तरह से पाई गई, जिसकी शिकायत के लिए अपने लेटर पैड पर एक शिकायती आवेदन बनाकर एसपी ऑफिस जाकर शिकायत की आवेदन प्रस्तुत किया, जहाँ ठेकेदार देव शिवहरे पर अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही करने की मांग की। आज आप एसपी ऑफिस कोई आवेदन लेके आओ, कोई शिकायत लेके आओ, क्या आवेदन है आपका? आवेदन है, एक सप्ताह पहले किसी ठेकेदार ने फिजिकल रोड पर जो अमन दूध डेयरी उसके सामने है ना, बिना पीडब्ल्यूडी के एनओसी के, वो चूंकि रोड पीडब्ल्यूडी की है, बिना एनओसी के उसको रात में उसके पेवर्स जेसीबी से उखाड़ दिए और उनको ट्रैक्टर में भर के कहीं बेच दिया, किसी अन्य जगह रख दिया। जब इसकी सूचना मुझे सुबह जानकारी मिली तो वहाँ मौके पर मैं गया तो मैंने देखा वहाँ पाइपलाइन भी टूटी पड़ी थी। मैंने जब लोगों से पूछा भाई ये किसकी अनुमति से हो रहा है, मैंने पीडब्ल्यूडी यादव जी से जानकारी ली, मैंने नगरपालिका से जानकारी ली तो मुझे जानकारी मिली वो किसी की अनुमति ही नहीं है, बिना अनुमति के अपनी मनमाफिक नगरपालिका के उसको पैसे को ठिकाने लगाने के लिए किसी ठेकेदार द्वारा रात के समय खोद दी गई। जब उसको संबंधित पेपरों में खबरें छपी, मैंने जब इसकी शिकायत सीएमओ वगैरह से की और ऊपर तक इसका मैसेज भेजा तो उसी दूसरी दिन उसकी रात में, अभी दो तीन दिन पहले उसी रात में है ना, वो रात में पेपर डाल दी, अब वो पेपर से लग रही है। तो 5-7 दिन जो जनता परेशान हुई है, जनता के लिए जो कष्ट हुआ है, उसके एवज में मैंने एसपी साहब के यहाँ ये आवेदन दिया है कि संबंधित ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर की जाए, उसकी जेसीबी जब्त की जाए, उसका ट्रैक्टर जब्त की जाए और जो नुकसान हो भरपाई हो इसलिए उसमें एफआईआर की जाए। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार कोई देव से भरे हैं, बताए देव से भरे कहाँ के हैं? अभी ये ज्यादा जानकारी नहीं है उसकी, किसी को भी जानकारी नहीं है। जब संबंधित नगरपालिका के सविनियर को जानकारी नहीं है, सीएमओ को जानकारी नहीं है, वहाँ के ई को जानकारी नहीं, किसी को जानकारी नहीं है, अब पता नहीं किसकी अनुमति से काम कर रहे हैं। बिना अनुमति के, बिना जानकारी के फिर इन्हें टेंडर कैसे ले लिए? नहीं, वो टेंडर लिया होगा लेकिन टेंडर कहाँ का लिया, किस जगह का लिया, ये तो वो ठेकेदार ही बताएगा। नहीं, बिना अनुमति के ये रोड खोदना भी इलीगल है। इलीगल ही है, जब पीडब्ल्यूडी की रोड है तो पीडब्ल्यूडी से पहले एनओसी लेना थी और उस एनओसी को नगर पालिका में पुटअप करना था, वो फिर फाइल पे चलती, फाइल पे चलने के बाद में संबंधित सविनियर लेआउट देने आता, उसके बाद में वो काम किया जाता। तो आपके पास में जो फिजिकल वाला पार्षद है वो साथ में तो नहीं है, उसको कोई नहीं? मुझे नहीं पता वो कौन पार्षद है और किसके कहने से वो रोड डल रही है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मेरा कर्तव्य जनित के लिए काम करना है, मैंने जान के देखा, वहाँ लोगों ने मुझे फोन करे तो मैं गया, मैंने स्पॉट पे देखा तो वास्तव में वहाँ परेशानी थी, 200 घर 3 दिन के लिए पानी के लिए परेशान हुए। संबंधित वहाँ के जो पार्षद है उनको कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है वो क्यों नहीं आपत्ति कर रहे हैं, उनको करना चाहिए आपत्ति मेरे हिसाब से। मुनु नामदेव की रिपोर्ट।